it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खैर, वी आर हेयर विद अ न्यू डे, न्यू रूटीन, वही काम, वही सब कुछ. खैर, आज सुबह अच्छी थी, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था और आज प्रेडिक्शन भी है बारिश की इन कराची. बट लेट्स सी, ज़्यादातर जब प्रेडिक्शन होती है ना तब कुछ भी नहीं होता कराची में. सो जस्ट वेट एंड वॉच के क्या ये प्रेडिक्शन सही है या सही नहीं है. मैं भी देख रही हूँ, रात तक वेट करते हैं, क्योंकि रात में मैंने सुबह ही न्यूज़ में देखा था कि आज रात कराची में मूसलाधार बारिश होगी. लेट्स सी कब होती है. खैर, इसी तरह से दिन एंड हो गया हमारा घर पहुँचने के बाद. आज जो है वो बिल्कुल मेरा कुछ मूड नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों, काम करने का क्या वजह थी उसकी, ये मुझे भी नहीं पता. शायद थक मैं बहुत ज़्यादा गई थी. ये थोड़ी सी कुछ वीडियो है जिसमें मैं दिखाना चाह रही हूँ कि कराची में भी थोड़ा जो है वो बाहर का मौसम आता है. कुछ पैकेजेस हैं जो अभी भी मेरे अनपैक्ड हैं, मुझे उसकी अनबॉक्सिंग भी करनी है, बट वो हम करेंगे कल. और आज था फ्रूट डे, क्योंकि जब मैं घर पहुंची हूँ तो एक मेरे फेवरेट आम की पेठी घर में मौजूद थी, जो कि देख के मुझे काफ़ी एनर्जी मिली. अभी तक मैंने उसे खाया नहीं है, बट उसको देख के मुझे काफ़ी एनर्जी मिल गई, बिकॉज़ आई लव मैंगोज़. और दूसरा जो है वो जामुन भी थे. जामुन हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं, इसीलिए जो अब आप वीडियो में आके देखेंगे ना तो उसकी क्वांटिटी इतनी कम इसलिए है क्योंकि आधे मैं खा चुकी हूँ. उसके जामुन जो है वो मैं आधे खा चुकी थी. ये ज़ाहिर है भूख लगती है इंसान को ऑफिस से आने के बाद, तो क्या करे, इसलिए ये जामुन मैंने खा लिए थे. खैर, ये है मेरी हालत इस वक्त. मैं ऑफिस से आई हूँ, मुझे ये फीलिंग आ रही है बिल्कुल ऐसी जैसे मेरी इस फिल्टर में 1000 मुँह हो चुके हैं. बिल्कुल इसी तरह मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे पूरा घर जो है वो ऐसे ही दिख रहा है. समझ नहीं आ रहा क्यों, कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ. बिल्कुल खाना बनाने का दिल नहीं चाह रहा, कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा. खैर, तो इसके बाद हम लोग निकल गए थे थोड़ी देर के लिए, कुछ मेडिसिन वगैरह लेनी थी. तो हम लोगों ने सोचा कि करीबी किसी भी मेडिकल से, लाइक हमने सोचा दवाको से जाकर जो है वो मेडिसिन ले लेते हैं. बट जब मेडिसिन ले रहे थे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप मेडिसिन लें और उसके साथ कुछ ना लें. तो वहाँ से हमने कॉर्नेटो भी उठाई, वहाँ से हमने और भी चीज़ें खाने की उठा ली. यही जो है वो हमारे पतला होने का राज है. आई एम जस्ट जोकिंग. तो यही हमारे पतला होने का राज है बिल्कुल. सो यहाँ पे मेडिसिन लेने के बाद जो है वो हम थोड़ी देर के लिए गए थे पार्क, क्योंकि जर्लिश को जो है वो दौरा पड़ गया था कि नहीं मुझे पार्क जाना है. और आज हम लोग लेट भी हो गए थे, मगरिब हो चुकी थी, तो मैं चाह रही थी कि हम ना जाएं, बट खैर अनफॉर्चुनेटली हमें जाना पड़ा. तो यहाँ से निकलने के बाद जो है वो हम करीब ही एक पार्क है वहाँ पे चले गए थे. वहाँ पे जर्लिश ने अपने जो है वो राइड्स वगैरह ली, झूले वगैरह झूले, और फिर उसके बाद उसका जब दिल भर गया तो उसने बोला लेट्स गो मामा. तो फिर हम वहाँ से निकल गए. और खैर, वहाँ से निकलने के बाद जो है वो जब हम पार्क में भी गए तो इवन हब्स बहुत ज़्यादा थी, इवन कोई पत्ता जो है वो हिल तक नहीं रहा था, कोई हवा का नामो निशान नहीं था, बहुत शदीद गर्मी थी. खैर एनीवेज़, यहाँ पर जो है वो बस मेरा जो है वो अब डे एंड हो चुका है. मैं आपसे मिलूँगी कल दोबारा नए व्लॉग के साथ. खाना डिनर आप देख रहे हैं नेक्स्ट, ये आज चने की दाल बनी थी तो हमने वो खाई, और उसके बाद जो कॉर्नेटो मैं लेकर आई थी वो मैंने खाई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैं अभी इंजॉय कर रही हूँ अपनी कॉर्नेटो. आप लोग जो है वो अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ. चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़.